हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरिजाम टिक। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं लाइव सुनाने वाला हूं जो नकल माफिया हैं उनके द्वारा जो पकड़े गए थे उनके द्वारा कि किस प्रकार से वो जो है पेपर में गड़बड़ी करते हैं और किस प्रकार से नकल करवाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मात्र एक सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई वीडियो में अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कई सारे गैंग पकड़े गए थे, तो पहले तो हम सुनवा देते हैं क्या जो है ये नकल माफिया कहते हैं, किस प्रकार से नकल करवाते हैं। उसके बाद मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से बुकलेट में जो है इन्होंने आंसर लिखा था, वह भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन पहले इनकी बातें सुन लिया जाए। चलिए सुनते हैं। सर, मैं धर्मेंद्र कुमार पिछले 5 वर्षों से डॉक्टर के एल पटेल के साथ भर्ती परीक्षाओं का कार्य कर रहा हूँ। तत्पश्चात 2 साल बाद उनका साथ छोड़ कर के हम लोग अपना 8-10 लोगों का गैंग अलग से बनाए हैं। ये भर्ती परीक्षाओं का काम ऐसे कर रहे हैं कि हर कैंडिडेट से 12 से 15 लाख का डिमांड है, और ये हम लोग जो है पेपर से काले से पेपर निकालते हैं, उसके बाद सॉल्व करा के कॉलेज के ही मैनेजमेंट द्वारा पर्ची पहुंचा के उनको रंगीत कराते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पे परेशानी उनको होती है दोस्तों जो अपने मेहनत से जो है क्रॉसिंग को जो है कट ऑफ को क्रॉस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टीजीटी एग्जामिनेशन में भी अपने मेहनत के बल पे 120 क्वेश्चन सही करके आए हुए हैं। कमेंट बॉक्स में पढ़ता रहता हूँ कमेंट में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 115 किए हैं, 120 किए हैं, साथ उनके खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा उनको मिल जाता है, जो इनका नंबर 60-50 आ रहा है वो तो चाहेंगे ही कि बार बार परीक्षा रद्द हो, बार बार परीक्षा में भाग लें। लेकिन जिनका मेहनत से 120 या 115 आ रहा है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि नकल माफिया वाले भी सक्रिय हो गए हैं और ये सब कटा पढ़ा देंगे, जो कम नंबर जिनका है उनका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा और यहाँ पे ये दिक्कत निकल के सामने आएगी। आपका क्या राय है, क्या आपको लगता है पेपर रद्द होना चाहिए कि नहीं? देखिए, यहाँ पे आपके सामने बुकलेट शो हो रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। टोटल 116 क्वेश्चन इसमें दिख जाएगा आपको, 114 से 16 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है जो कि इसके रफ कार्य वाले पेज पे लिखा गया है। यहाँ पे ये सब लिख के उसके बाद दे देते हैं सील पैक करके, उसके बाद जो है छात्र को बस वहाँ पे देख कर वहाँ पे बस गोली करना रहता है, बस यही काम कर लेते हैं। उसके बाद ये सब 115-120 नंबर ले आके सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से काम चलता है। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।